Good morning everyone, this is Sandeep Kaur, your social science teacher, and as we all know that we are learning about our third chapter from last two videos, okay. So in this chapter, in this video, we will carry to our chapter, we will continue to our chapter, and we will know about the different aspects of life of the Neolithic man, okay. So first of all, polished tools, he used tools for different purpose, ठीक है, for clearing the foresters, to kill the animals, to protect his own life, okay, and for many other purpose, ठीक है, but जिहड़े tools सीगे वो इस time दे जिहड़े सीगे वो थोड़े होर ज़्यादा पहले नालों improved सीगे, उन्हें जिहड़ा stone use करदा सीगा अपने tools नूं बनाउण दे लई, हुण उहने harder tool जिहड़ा stone हैगा उहनूं use करना शुरू करता, वह वाला stone use करना शुरू करता जिहड़ा ज़्यादा सख्त हैगा, और जिहड़े बनाए हुए weapons जिहड़े सीगे वह कभी भी टुट नहीं सकते, और वह जिहड़े hunting दे लई बहुत ज़्यादा beneficial हैगे, ठीक है। ये नाल ही उन्हें अपने जिहड़े blade बनाउंदा सीगा जां होर कोई tools बनाउंदा सीगा उहनूं polish करना शुरू करता ताकि उहनां दी sharpness जिहड़ी है वह होर ज़्यादा वध जाए, और इहदे अलावा बेटा axes उन्हें use करनी शुरू की। देखो हम फूड प्रोडक्शन उन्हें करनी शुरू की, फूड प्रोडक्शन के लिए की चाहिए, लैंड एरिया चाहिए, और लैंड एरिया कितों आएगा उत्थे, उस टाइम से बेटा जी धरती सी उत्थे आलमोस्ट सारे थे जंगल से, सो उन्हें जंगल्स नू जिहड़े जंगल है उन्होंने क्लीयर करने लिए, फॉरेस्टर्स नू क्लीयर करने लिए उन्हें एक वैपन बनाया एक्सिस कुहाड़ी, ठीक है, उसके नाल की वो काफ़ी यूजफुल हैगी रुख कट के अपना लैंड एरिया क्लीयर कर सकता है ताकि उत्थे वो अपनी खेती कर सके। नैक्सट वॉज सिकल, सिकल उन्हें बनाई, ठीक है, ताकि अपनी जी क्रॉप खड़ी है जी फसल खड़ी है उन्होंने कट सके, ईजली उन्होंने कट सके और उन्होंने हारवेस्ट कर सके। नैक्सट इज स्पिंडल्स, स्पिंडल्स हैं बोन नीडल्स, उन्हें एवं देखो एवं तकला बनाया, ठीक है, जिदे नाल जिहड़ा सीगा वह धागा बन सकता है, जिमें आप हम कॉटन को लेंगे, कॉटन में लैके जिदा चरखे के उपर भी चरखे का की काम किया जाता है, चरखा जोड़ा है वह भी की सगा एक तरह स्पिंडल सगा, ठीक है, वह की सगा एक एवं उदू चरखे के जोड़ा है एक प्रोसैस हों थ्रू जोड़ा है कॉटन है उस जो थ्रैड बन जाता है धागा बन जाता है, एवं तो स्पिंडल जोड़ा है वो थोड़ा सपोज करो कि चरखा थोड़ा इंपरूवड फॉर्म हैगी, ठीक है, बट उन्होंने जोड़ा पहले जोड़ा ह्यूमन बीइंग है न्यूलिथिक ह्यूमन बीइंग उन्हें भी उस स्पिंडल जोड़ा है इनवेंट कर लिया है, और ये ही नीडल्स बना है बोन नीडल्स, नीडल बोन लैके वो शेक कर लेता है और थ्रैड यूज करके और डिफरेंट तरह की जड़िया कोई स्किन कोई सपोज करो कि होर कपड़ा है, ठीक है, उन्होंने सीन के लिए यूज करता है, सो जड़िया बोन है वो तो नीडल यानी कि सूई जी उन्हें बना ली, ठीक है। नैक्सट इज पोर्ट मेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमन बीइंग पोर्ट्स की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक जगह दूजी जगह घूमता सीगा जो मिल गया खा लिया अगे बढ़ गया, ठीक है, बट हौली हौली जो फूड स्टोर करना चाहिए उन्हें दैन फूड न पका के खाना चाहिए दैन उन्होंने बर्तन की लड़ पी, ठीक है, और पहले पहले वो किमें यूज करता स अपना फूड स्टोर करने की करता सगा कि जोड़ा जंगली घा से बुन के और एक बास्कट आप कह सकते टोकरी बना लेता सी और दोनों साइड साइड के उत्ते जिहड़ा हैगा वह मिट्टी का लेप लगा लेता सीगा, ठीक है, ताकि जिहड़ा घा है वह बिच उदों बेस मिल सके और वह लंबे टाइम भी चल सके, बट उहदे नाल की सीगा बेटा कि वह जिहड़े लिक्विड सीगे जिदा मिल्क है जां वाटर है इन्हां सब चीज़ां नूं उहना उस बर्तन से स्टोर नहीं कर सकता सीगा क्योंकि वह मिट्टी सीगी और वह खुरके उहदे विच मिल जांदी सी, ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लिए हौली हौली उन्हें जोड़ा अग से पका के बर्तन बनाने जोड़े है वो सीख लिया और पोर्ट मेकिंग जी है वो शुरू हुई हौली हौली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो बास्केट्स ऑफ वाइल्ड ग्रास, पहले ग्रास के बास्केट्स बनाइया ने और दैन उन्हें ये किया कि बे क्ले वैसल्स ऑन फायर, फिर हौली हौली उन्हें जी क्ले सी बने हुए बर्तन बर्तन है जोड़े उन्होंने अग से सेक के उन्होंने पक्के बर्तन बनाने सीख लिया। नैक्सट आवर टर्म इज इनवेंशन ऑफ पी, एक दिन एक परसन जो ह्यूमन बीइंग्स है न्यूलिथिक ह्यूमन बीइंग्स की देखता है कि एक लकड़ का लॉग लॉग मतलब जी एक मोटा टुकड़ा होंगे है लकड़ का, ठीक है, वो क्योंकि गोल हों ऑबियस सबन पता है गोल है, ठीक है, और उपर तो जल्दी नाल एवं घूमता घूमता नीचे आ जाता है, दैन उन्होंने देख के वो माइंड एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी एवं की कोई चीज़ बनाव जिदे जी एवं मूव कर सके ईजली मूव कर सके और आप कोई इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का आइडिया थोड़ा बहुत वो माइंड में आता है, दैन हौली हौली वो की करता है कि जो स्टोन हों पत्थर हों लैके
राउंड शेप देने की कोशिश करता है और एक पहिया बनाता है। ठीक है, इस तरह हौली हौली इंप्रूव्ड शेप आते होंगे। अज आप देख सकते हैं कि हर एक चीज जो ट्रांसपोर्टेशन इन्ने सारे मीनस ने सारे के सारे पहिया जो व्हील जो यूज हो रहा है। ठीक है, सो एक तो ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो गया, इजली मूव कर सकता है एक जगह तो दूसरी जगह। और सेकेंड थिंग की है जी पॉट मेकिंग, देखो जो बर्तन जो बनाते हैं बेटा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए उन्होंने एक व्हील लिया होता है और व्हील को घुमाते हैं और दैन उसके शेप देते हैं अपने जो पॉट होता है जो बर्तन होता है शेप देते हैं। ठीक है, सो दैन जिमें ही उन्हें इनवेंट किया व्हील को फिर उन्होंने जो पॉट से बर्तन से भी बनाने शुरू कर दिए। नैक्सट है बेटा यूज इन स्पिनिंग थ्रैड। हूँ देखो अगर तुम चरखा देखो वह भी की हूँ एक तरह का व्हील ही हूँ गोल हूँ है ना वह घूमता है तो दैन जो कॉटन है वह कच कन्वर्ट हो जाता है थ्रैड में। ठीक है, सो इस टाइम पर ही ह्यूमन बीइंग ने यह सीखा कि जोड़ा एक व्हील है उन्होंने लैके वो तो स्पिनिंग करनी सीखी और स्पिनिंग करके वो तो थ्रैड बना उन्होंने शुरू कर दिता। फिर हौली हौली जिम्मे जिमें जो इंसान है कॉटन वूल बारे पता लगता है वो इवें कॉटन एंड वूल के जो थ्रैड्स बना के उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू कर दिता है। नैक्सट है कम्यूनिटी लाइफ। हौली हौली जो मनुख से जो पे इकला घूमता सला घूमन तो बाद उन्हें हौली हौली एक जगह रहना शुरू करता जो रहना शुरू करता हौली हौली उसकी फैमिली बन गई एक फैमिली बनी उसके तो हौली हौली होर कई फैमिलीज बन गई और छोटे छोटे जो ट्राइब्स बन गए छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए जिन्होंने ट्राइब कहा जाता कबीला कहा जाता। ठीक है, और ये ट्राइब्स होंगे इकट्ठे रेंदे एक जगह से रेंदे और यही जी सब तो पहली कम्यूनिटी लाइफ की जी स्टार्टिंग होंगी वो इन फैमिलीज तो ही होंगी इन ट्राइब्स तो ही होंगी है। ठीक है, उन्होंने जो है सेम कस्टम से बिलीफ से सेम वर्शिप जे जो तरीके से मैथड्स ऑफ वर्शिप ही सारे सारे उन्होंने को सेम ही हर सेम तरह के वो बिलीफ ही और कस्टम्स परफॉर्म करते। ठीक है, और इतों ही कंसैप्ट ऑफ फैमिली शुरू होंगे है जो सेटल लाइफ स्पेंड करनी शुरू करता है दैन उसकी फैमिली बनती है फैमिली तो बाद कम्यूनिटी बनती है और कम्यूनिटी जी उस टाइम जो ग्रुप ऑफ फैमिली से उन्होंने किया जाता है ट्राइब। नैक्सट है बेटा मेन एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग इस टाइम पर है कम्यूनिटी लाइफ एक ट्राइबल लाइफ के फार्मिंग हर्डिंग हंटिंग ग्रेजिंग। ठीक है, ये मेन जिहड़ियां एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग अज भी उस टाइम पर भी वह खेती करता पशु पालता जिथे हो सके शिकार कर लेता और अपने जो डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स ने उन्होंने टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसिस उत्ते जाके वह चारा खाने लिए उन्होंने ग्रेस करता चुका। ठीक है, नैक्सट है बेटा जॉइंटली ओवन नैचुरल वैल्थ। उस टाइम पर बेटा जो परसनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसैप्ट बिल्कुल भी इस्टैबलिश नहीं होया जिनी भी प्रॉपर्टी होंगी सी जो भी सोसाइटी के नैचुरल वैल्थ है लैंड एरिया है एनिमल्स ने वो सारे ने सजे होंगे सके। ठीक है, और जिनी जिनी जरूरत होंगी सपोज करो कि एक परसन के फैमिली के फाइव मैंबरस ने दूसरे के टेन ने नैक्सट है कोई उस ट्वेल्व मैंबरस ने सो उन्होंने उन्होंने जरूरत के अकॉर्डिंग जोड़ा है वो अनाज जपोज मिल्क कुछ भी जो प्रोडक्शन सी उन्होंने उस तरीके डिस्ट्रीब्यूट की जाती सी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, और किसी की भी कोई परसनल प्रॉपर्टी नहीं सी अपनी संपत्ति किसी की भी नहीं सी जिन्हें भी सारे सारे सोर्सिस जॉइंटली ओवनड ही मतलब वो सारे के साझे से और परसनल प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसैप्ट है वो जो बाद आता है। नैक्सट डिवीजन ऑफ वर्क डिपेंडिंग ऑन एज विजडम एंड स्ट्रेंथ। हर एक परसन लिए हर एक काम करना जरूरी नहीं सी। ठीक है, उस टाइम पर जी सोसाइटी हैगी कास्ट बेस्ड नहीं हैगी। ठीक है बेटा की हैगा कि डिवीजन है सोसाइटी के बट बेस्ड ऑन द वर्क। ठीक है, तुम की काम कर सकते हो सपोज करो एक परसन है जी 60-70 ईयरस एज है कि वो ज़्यादा जोर वाला काम कर सकेगा नहीं। ठीक है, एक वह परसन है जो काफ़ी ज़्यादा सियाना है जिसे को काफ़ी ज़्यादा विजडम है वह कोई डॉक्टरी कर सकता है इवें का कोई काम कर सकता है उन्होंने अलग कैटेगराइज किया जाता है जेडे खेती करने वाले पीप लोग होंगे उन्होंने अलग हंटिंग करने अलग। ठीक है,
अपने कबीले की प्रोटेक्शन के लिए जोड़े थे वह भी एक अलग तो एक ग्रुप बनाया जाता है लोगों का और डिवीजन ऑफ वर्क ही हर एक अलग अलग काम जोड़े से दिते गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। ठीक है, हम सपोज करो अगर बच्चा है, बच्चे को आप कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं दे सकते, बुजुर्ग को भी हैवी काम नहीं दिता जा सकता। ठीक है, और ये जे जे ज़्यादा यंग होंगे है उन्होंने जितना प्लगिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर के सारे काम वो सारे सारे कि दिए जाते हैं जोड़े यंग पीपल से, और जो दूसरे से उन्होंने उन्होंने एज के अकॉर्डिंग जन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जोड़े काम दिए जाते थे। ये विजडम की अगर आप गल करिए कि अगर सपोज करो कोई परसन उन्होंने थोड़ा बहुत जोड़ा है, चलो उदो एजुकेशन इस लैवल की तो नहीं सी, बिल्कुल भी नहीं सी स्टार्टिंग सी लाइफ की। ठीक है, लेकिन जोड़ा परसन थोड़ा बहुत किसी दूसरे बच्चों जो भी उस टाइम एक्टिविटीज होंगे वो सिखा सकता है, दैन उन्होंने की काम कर दे दिता जाता है उन्होंने कुछ सिखाने का। ये ही अगर कोई इलाज कर सकता है दैन उन्होंने की काम दिता जाता है ता कि वह इलाज ही कर सके, और तो इलावा वो खेती का काम ज हर्डिंग का काम वो को करवाया नहीं जाता। नैक्सट आवर पॉइंट इज लीडर मेड रूल्स ऑफ ट्राइब। उस जिहड़ा सब तो नोबल और एबल स्ट्रोंग परसन सीगा उन्होंने जो कबीला सीगा वो अपना हैड जिहड़ा हैगा एज अ हैड इलैक्ट करता सीगा, और हैड इलैक्ट करन दे नाल ही वो वाले परसन दे कोल हर एक तरह की पावर होंदी सीगी कि वो कबीलों नूं चलाउण दे लई और रेगूलेट करन दे लई हर तरह का कानून बना सकता सीगा। ठीक है, नैक्सट आ मैन हंटिंग प्लगिंग। ठीक है, हंटिंग प्लगिंग हारवेस्टिंग ग्रेजिंग दीज वर द मेन एक्टिविटीज विच वॉज कैरीड आउट बाय मैन, एंड अदर्स वर वूमेन दे वर दे ऑलवेज हेल्पिंग सोविंग हारवेस्टिंग ग्रेजिंग प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। ठीक है, सो वूमेन्स जिहड़ियां एक तो मेन काम सीगा उन्हां दा कि अपने बच्चों की सांभ संभाल करदियां सीगियां, अपने घर की सांभ संभाल करदियां सीगियां, इहदे नाल ही ओह हैल्पफुल हैगियां, हैल्प करदियां सीगियां जिहड़े मेल परसन सीगे उन्हां दी भी कि फसलां नूं बिजाउण और उन्हां दी कटाई बिजाई कटाई दे विच। ठीक है, और फसलां नूं जंगली जानवरों तों प्रोटैक्ट करन दे विच जिहड़ा सीगा ओह वूमेन्स लगा लो जां बच्चे लगा लो जां जिहदा बजुर्ग जिहड़े लोक सीगे ओह सारे उन्हां दी हैल्प करदे सीगे। ठीक है, नैक्सट बेटा पोर्ट मेकिंग वीविंग टूल्स टूल मेकिंग वेपन मेकिंग एंड ऑर्नामेंट दीज वर सम ऑक्यूपेशन विच वॉज कैरिड आउट बाय बोथ बाय मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, ये वो वाले ऑक्यूपेशन से जिन्होंने मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर करते थे। नैक्सट आवर इज अबाउट रिलीजन, और रिलीजन के बेटा कि पूजा करते थे मोस्टली देयर वर्शिप वॉज नेचर बेस्ड, वह रेन की पूजा करते थे थंडर रेन और वॉटर एयर इन चीज़ों की पूजा जी करते थे, फायर की पूजा करते थे जोड़े नैचुरल एलीमेंट्स से। इन्हों भी दो तरह कैटेगरीज सी, एक तो वह वाले एलीमेंट्स से जिन्हों का उन्होंने कोई बेनीफिट हों, दूसरे एलीमेंट्स वो सके जिन्हों का वो डरते थे जिन्हों का उन्होंने मतलब जिन्हों की मिस्ट्री उन्होंने समझ नहीं आती, दैन वो उन्होंने डर के उन्होंने पूजा करते थे। जिम्मे देखो काओ एंड स्नेक है, काओ की पूजा क्यों करते थे बिकॉज काओ वॉज यूजफुल फॉर दैम। ठीक है, डिफरेंट परपज लिए काओ न यूज करते थे जो बर्ल्ड होंगे उन्होंने एग्रीकल्चर लिए यूज करते थे, बट जो स्नेक तो डरते थे। ठीक है, सो स्नेक तो वो डरदा करके स्नेक की पूजा करते हैं, और काओ न बिकॉज इट वॉज बेनीफिशियरी सो इसलिए वो यदि पूजा करते थे। ठीक है, और नैक्सट काम मीनस डिस्पोजल ऑफ डेड मेगालिथ्स जेडे उन्होंने हम सपोज करो कि जम्मण मरना एक प्रोसैस जो हमेशा चलता रहा, और जो उन्होंने डैथ बॉडीज होंगे जो कोई मर जाता है परसन उन्होंने की किया जाता है उन्होंने दफनाया जाता है, और उन्होंने दफना तो बाद जो एक वे वे पत्थर जोड़े ट्रायंगुलर शेप के ब्लॉक बनाए जाते हैं, और उन्होंने व्डे पत्थर जोड़े मैगा मैगा मीनस बिग लिथ मीनस स्टोन सो मैगालिथ जो उन्होंने कहा जाता है जो बुरिड परसन से उन्होंने उपर वे वे ट्रायंगुलर जोड़े स्टोन लगाए जाते थे उन्होंने मैगालिथ्स कहा जाता है। ठीक है, ता कि उन्होंने पछाण रह सके कि कितने कितने जो कोई परसन है उन्होंने बुरिड किया गया है दफनाया गया है। ठीक है, नैक्सट बेटा नैक्सट है एजिचा नालूर। एजिचा नालूर है साउथ इंडिया में एक प्लेस है जिथे आप मैगालिथ्स जोड़े ने काफ़ी ज्यादा नंबर मिलते हैं, बहुत सारे मैगालिथ्स जोड़े ने अपन एजिचा नालूर तो मिले ने। नैक्सट है बुरिड
ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਮੈਗਾਲਿਥ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਮੈਨ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਂਡ ਅਵਰ ਚੈਪਟਰ